एवरीवन, नमस्कार। मैं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी जीनियस में आप सभी का बहुत ही प्यारा प्यारा अभिनंदन, स्वागत एंड मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज 25 फरवरी और 25 फरवरी 2022 का हम क्या पढ़ेंगे, करेंट अफेयर पढ़ेंगे। और आप जानते हैं हमारा डेली करेंट अफेयर शो होता है, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन हम लेकर आते हैं और टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही क्या होंगे, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइएगा हम करंट अफेयर आज का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो आप बताएंगे 24 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया? 24 फरवरी को। अब देखिएगा, फरवरी के जितने भी दिवस हैं वो मैं एक बार आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, अगर 1 फरवरी को पूछा जाए तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस और चीनी नववर्ष मनाया जाता है। ओके, बात करें 2 फरवरी की, दो फरवरी को मोस्ट इम्पोर्टेंट टेट की परीक्षा, सुपर टेट की परीक्षा के लिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप कहें कि आर्द्र भूमि क्या होता है, तो दलदली भूमि या इंग्लिश में इन्हें वेटलैंड कहते हैं। अगर मैं बात करूं 4 फरवरी की, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है 8 फरवरी। ठीक है, 8 फरवरी की बात करें तो 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी की बात करें तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस या राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, 10 फरवरी को दलहन दिवस या कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद आते हैं 11 फरवरी को, 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ओके, अब आते हैं 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। ओके, बात करें 13 फरवरी की, तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। ओके, 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। 15 फरवरी को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस, चाइल्डहुड कैंसर दिवस मनाया जाता है। ओके, बात करते हैं 19 फरवरी की, तो 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये लॉन्च किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस और 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो आप बताएंगे तनिष्का कोटिका और रिंदिका कोटिका दोनों ही ये किस योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ मुख्य ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में। देखिएगा, अगर उत्तराखंड का पूछा जाए आपसे कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बताएंगे अक्षय कुमार जी। कौन है? अक्षय कुमार जी। अब मेडीबडी एक मेडिसिन से रिलेटेड एक कंपनी है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, मेडीबडी के, तो आप बताएंगे अमिताभ बच्चन, बिग वी। ठीक है, अब बात आती है वाटा। वाटा है वो एक सूच कंपनी है, इसकी दिशा पटानी जी हैं। ठीक है, गेम्स 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन जी हैं। ठीक है, थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिया जाए तो शाहरुख खान जी हैं। ठीक है, अगर मोटर हुंडई इंडिया की पूछ लिया जाए तो आदित्य अशोक हैं। किनारा कैपिटल के पूछ लिया जाए रविंद्र जडेजा। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रेटली हैं। ठीक है, फोसिस वंडर सैप के पूछ लिए जाए तो कृति शनन है। टाटा आई ए लाइफ इंश्योरेंस गुड डॉट के कौन है? नीरज चोपड़ा जी हैं। फिनो पेमेंट बैंक के पंकज त्रिपाठी हैं, मिर्जापुर वाले। सैनको गोल्ड एंड डायमंड के कियारा आंडवानी जी हैं, कबीर सिंह वाली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस की नई सबसे केवल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेंगे? तो आप बताएंगे मालदीव को जोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो जल्द ही आपको ये लाभ मिलेगा कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें पेंशन से
वंचित नहीं किया जाएगा और उनको पेंशन मिला करेगी राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत में अपनी साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? तो आप बताएंगे IBM करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आप बताएंगे अगरतला में। कहाँ पे हुआ है? अगरतला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन IOC के बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो आप बताएंगे सुजॉय चौधरी जी। कौन हुए? सुजॉय चौधरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में IIT रुड़की ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो आप बताएंगे उत्तराखंड, UK में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य का चंबा जिला देश के सोमाघर जिला जल जिला बन गया है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। हर घर जल की व्यवस्था कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IBDI बैंक के MD वर्सेस CEO कौन बने हैं? तो आप बताएंगे राकेश शर्मा जी बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? राकेश शर्मा जी बने हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यारी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना एंड अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।